माइनस साइन स्क्वेयर 36, इसकी वैल्यू आपको प्रूव करनी है रूट पाई अपॉन 4। तो साइन 72 की वैल्यू रख दो यहाँ, रूट 10 प्लस 2 रूट पाई अपॉन 4, इसका होल स्क्वेयर लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस साइन 36 की वैल्यू रख दी बेटा, 10 माइनस 2 रूट पाई इसका रूट अपॉन 4 इसका होल स्क्वेयर, दोनों की वैल्यू रख दी। सोल्व करते हैं तो इसका होल स्क्वेयर करेंगे क्या आएगा, 10 प्लस 2 रूट पाई अपॉन 4 का स्क्वेयर 16 हो गया, और माइनस जब इसको सोल्व करेंगे तो ये भी 10 माइनस 2 रूट पाई अपॉन 16 होगा। 16 एलसीएम आ गया बेटा, 10 प्लस 2 रूट पाई माइनस 10 और ये हो जाएगा प्लस 2 रूट पाई, 10 से 10 कैंसिल, तो ये आएगा बेटा 4 रूट पाई अपॉन 16। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपकी राइट साइड आ जाएगी बेटा रूट पाई अपॉन 4। अब थर्ड पार्ट देखिए बेटा, थर्ड पार्ट कहता है कोस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12, कोस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12, इसकी वैल्यू आपने प्रूव करनी है बेटा रूट पाई प्लस 1 अपॉन 8, ये प्रूव करना ठीक है। तो यहां देखो बेटा, ना तो आपके पास कोस 48 की वैल्यू है फॉर्मूले में देखो आप, और ना ही आपके पास साइन 12 की वैल्यू है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, याद कीजिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसकी क्या वैल्यू होती है। तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की जो वैल्यू आती है बेटा, वो आती है शायद कोस ए माइनस बी और इंटू कोस ए प्लस बी। बार कन्फर्म कीजिए आप, ये फॉर्मूला आपने कहाँ पढ़ा था, ये आपका है फॉर्मूला एक्सरसाइज बेटा, ये 3 पॉइंट कौन सी है, 6 के अंदर देखिए आप, 3.6 के अंदर फॉर्मूला है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, हाँ यही वैल्यू होती है बेटा इसकी, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, ये वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लगाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बन जाती है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमारी बन जाएगी कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। तो ये आ गया हमारा कोस 60 और ये आ गया कोस 36। आई थिंक दोनों के आपके पास वैल्यू है, यहाँ कोस 61 बाई 2 और कोस 36 की वैल्यू है रूट पाई प्लस 1 अपॉन 4। सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा बेटा रूट पाई प्लस 1 अपॉन 8, यही आपकी रखेंगे।